अगर आप ये वीडियो देख रहे हो राइट नाउ तो पक्का आपने वो फीलिंग महसूस की होगी जब आपके फ्रेंड इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मस्ती कर रहे होते हैं और आप नीड की बुक्स के बीच में फंसे होते हो। एवरीवन इज हैविंग फन और आप अपनी सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए, लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई, सेक्रीफाइस का सही मतलब। मोस्ट पीपल थिंक कि एकेडमिक्स चूज करना ओवर सोशल लाइफ, मतलब आप मिस आउट कर रहे हैं बेस्ट इयर्स ऑफ योर लाइफ। फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको कम्प्लीटली खा जाएगा और मे बी आप रॉन्ग चॉइस कर रहे हैं बाई स्टेइंग फोकस्ड जब सबके सब दोस्त मस्ती कर रहे हैं। बट हियर इज द ट्रुथ, जो सब कुछ बदल कर रख देगा, जो स्टूडेंट मास्टर कर लेते हैं स्ट्रैटेजिक सेक्रीफाइस की आर्ट, वो सिर्फ अकेडमिकली सक्सीड नहीं करते, दे डेवलप वॉट न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रियो ह्यूबरमैन कॉल्स फोकस्ड अटेंशन न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो अपने ब्रेन को सस्टेन्ड सक्सेस के लिए रीवायर कर लेते हैं। मैं शेयर करूंगी आपके साथ साइंस बैक सिस्टम जो टॉप नीट और अदर एग्जाम परफॉर्मर्स यूज करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज आर्गुएबली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बायोलॉजी। इट होल्ड्स द प्रॉमिस फॉर ईच एंड ऑल ऑफ अस टू थिंक डिफरेंटली। लेजर लाइक फोकस मेंटेन करने के लिए जब बाकी सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। आने वाले कुछ मिनट्स में आप जानोगे कि आपकी सोशल सेक्रीफाइस कैसे एक सुपर पावर बन सकती है। इस बार मैं ही सेक्रीफाइस कर देता हूं। कौन से न्यूरोकेमिकल सीक्रेट्स फोकस को पॉसिबल बनाते हैं और वही एग्जैक्ट 4-स्टेप सिस्टम जो आपको फोमो के टफेस्ट पलों में मोटिवेटेड रखेगा। हमें शायद अभी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेमोरीज बन रही हैं, दोस्ती हो रही है, पर यार ऐसी दोस्ती के एंड में जब रिजल्ट नहीं आता ना, मुड़ के इस टाइम को याद करने का मन भी नहीं करता। With a shocking fact, जो बदल कर रख देगा how you see your sacrifice. According to research published in Journal of Educational Psychology, students जो deliberately choose करते हैं academic focus over extensive social activities, उन्होंने show किया 34% higher academic performance और develop किया what researchers call enhanced cognitive resilience, जिससे आपका दिमाग मेंटली स्ट्रॉन्गर बनता है। एंड्रियो ह्यूबरमैन्स की रिसर्च एट स्टैनफोर्ड से पता चलता है कि जब आप जानबूझकर अपना अटेंशन चैलेंजिंग टास्क पर लगाते हो लाइक नीट, यूपीएससी प्रिपरेशन और एनी अदर एग्जाम, तो दो इम्पॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। पहला है एपिनेफ्रिन जो अलर्टनेस बढ़ाता है, दूसरा है एसिटाइल कोलिन जो न्यूरल सर्किट्स को बदलने और मार्क करने में मदद करता है। दिस मीन्स हर वो घंटा जो आप पढ़ाई पर स्पेंड कर रहे हैं, जब आपके फ्रेंड्स हैंग आउट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी नॉलेज बिल्ड नहीं कर रहे, आप फिजिकली अपने ब्रेन को हायर फोकस के लिए तैयार कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट दिस वे, जब आपके फ्रेंड्स टेम्पररी डोपामाइन हिट्स ले रहे हैं सोशल मीडिया और पार्टीज से, आप बिल्ड कर रहे हैं व्हाट साइकोलॉजिस्ट कॉल डिलेड ग्रेटिफिकेशन मसल। फेमस स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि किड्स जो डिले कर सकते थे ग्रेटिफिकेशन, उनके फ्यूचर एकेडमिक स्कोर बेटर रहे। आप मिस आउट नहीं कर रहे, यू आर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म मेंटल आर्किटेक्चर जो लाइफ टाइम काम आएगा। यही रीजन है Why your sacrifice feels hard, but neurologically ये आपको sustained attention में superior बना रही है, जो 21st century की एक सबसे valuable skill है। Here is the second thing जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो painful FOMO आप feel करते हो, वो सिर्फ दिल का मामला नहीं, इसमें science भी है। रिसर्च फ्रॉम प्रिंसेस नोरा यूनिवर्सिटी शोज कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का सीधा कनेक्शन एकेडमिक परफॉर्मेंस की डिक्लाइन से है, लेकिन सिर्फ तब जब आप नहीं जानते हाउ टू मैनेज इट। 500 प्लस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर किए गए स्टडीज में पाया गया कि फोमो इंक्रीजेस स्मार्टफोन एडिक्शन बाय 63% और डिक्रीजेस एकेडमिक फोकस बाय 28%। बट हियर इज द ट्विस्ट, जो स्टूडेंट अपने मिसिंग आउट को चूजिंग इन में बदल लेते हैं, यानी ये सोचते हैं कि वे अपने फ्यूचर के लिए चूज कर रहे हैं
उनका रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आता है। हमारे इंडिया में भी की गई स्टडीज दिखाती हैं कि लगभग 27% इंडियन टीन्स में सोशल मीडिया डिपेंडेंसी के साइंस हैं, जो फोकस पर बुरा असर डालती है। हर बार जब आप अपने फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम पर फन करते हुए देखते हैं व्हाइल यू आर स्टडिंग, योर ब्रेन रिलीजेस स्ट्रेस हार्मोन, जो एक्चुअली आपके ब्रेन के मेमोरी फंक्शंस को इम्पेयर करते हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज व्हाट आई कॉल फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। Instead of thinking I am missing out on fun, सोचिए I am investing in a version of myself जिसके पास होगी more freedom, more options and more fulfilling experiences than anyone जो अभी मौज मस्ती कर रहे हैं। Huberman's lab ने find किया कि जब आप consciously immediate gratification से long term goals की तरफ redirect करते हो, तो आप strengthen करते हैं prefrontal cortex को, और ये वही ब्रेन का रीजन है जो सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप लिटरली मेंटली स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं हर बार जब आप चूज करते हैं स्टडी ओवर सोशल। आपके फ्रेंड्स अभी फ्यूचर की खुशी खत्म कर रहे हैं, आप उसे सेव करके बड़ा बना रहे हो और उसके रिटर्न्स आपको सालों तक मिलते रहेंगे। नाउ हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आप सोच सकते हैं कि सोशल टाइम सेक्रीफाइस करने से हर्ट होगा आपको सोशली या इमोशनली, लेकिन रिसर्च फ्रॉम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज रिवील्स कि टॉप स्टूडेंट्स के केस में सोशल आइसोलेशन का इफेक्ट उल्टा होता है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे बिल्कुल अलग एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर ने पाया कि जो स्टूडेंट इंटेंशनली चूज करते थे टेम्पररी सोशल लिमिटेशन फॉर अकेडमिक गोल्स, उन्होंने बाद में ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई और लाइफ में सोशल एडजस्टमेंट भी उनका बेटर था अपने हमेशा सोशल रहने वाले फ्रेंड्स के कंपैरिजन में। व्हाई? क्योंकि उन्होंने डेवलप किया व्हाट रिसर्चर्स कॉल पर्पस ड्राइवन रिजाइलेंस। इंडिया में भी सक्सेसफुल नीट टॉपर जैसे वृंदा ऑल इंडिया रैंक 54 2023 में खुद ओपनली कहती हैं कि उन्होंने अपने सपने के लिए फैमिली फंक्शन, सोशल मीडिया और फ्रेंड्स को विलिंगली छोड़ा ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। यहाँ पर आपके ब्रेन में क्या हो रहा है? जब आप खुद अकेलापन चुनते हो ओवर माइंडलेस सोशलाइजिंग, आप एक्टिवेट करते हैं व्हाट न्यूरोसाइंटिस्ट कॉल डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वही ब्रेन नेटवर्क है जो आपको नए आइडियाज और टफ प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशन तक ले जाता है। आइंस्टीन ने इसे बोला था कंबाइनेटरी प्ले, एक ऐसा माइंडसेट जहां दिमाग अलग अलग आइडियाज को जोड़ता है और वहीं से बड़ी डिस्कवरीज निकलती हैं। इस माइंडसेट को पाने के लिए की है अपने अलोन टाइम को अलग नजरिए से देखना। आइसोलेशन के तरफ मत सोचो, इसे समझो एक सेलेक्टिव सोशल इन्वेस्टमेंट। आप एंटी सोशल नहीं है बट यू आर जस्ट स्ट्रेटेजिकली सोशल। रिसर्च शोज कि स्टूडेंट जो मेंटेन करते हैं 2 से 3 हाई क्वालिटी रिलेशनशिप व्हाइल लिमिटिंग ब्रॉडर सोशल एक्टिविटीज, वो उन स्टूडेंट से काफी बेटर परफॉर्म करते हैं जो हर जगह सोशल रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप अकेले नहीं बन रहे, बस ज्यादा सिलेक्टिव बन रहे हो। और जैसे फोकस में सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिलेशनशिप में भी सिलेक्टिविटी हाई अचीवर्स की पहचान होती है। अब मैं आपको एग्जैक्ट सिस्टम बताती हूँ जो टॉप नीट और दूसरे एग्जाम्स के टॉपर्स यूज करते हैं अपना फोकस मेंटेन करने के लिए। जब बाकी सब मस्ती कर रहे होते हैं, आई कॉल इट फोकस सिस्टम, और ये बेस्ड है लेटेस्ट न्यूरोसाइंस रिसर्च पर। फर्स्ट, फ्रेम योर व्हाई। लिख डालिए एग्जैक्टली व्हाई योर नीट गोल्स मैटर मोर देन टेम्पररी सोशल प्लेजर्स। न्यूरोसाइंस शोज की हैविंग क्लियर व्हाई एक्टिवेट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आपको दर्द के ऊपर जाके अपना फोकस बनाए रखने में हेल्प करता है। लेट्स मेक इट स्पेसिफिक, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ अपनी दादी जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए जो प्रॉपर मेडिकल केयर के बिना सफर करते हैं। सेकेंड, ऑप्टिमाइज योर एनवायरमेंट। ह्यूबरमैन्स रिसर्च शोज कि विजुअल फोकस डायरेक्टली इम्प्रूव मेंटल फोकस। अपना स्टडी स्पेस ऐसा बनाओ जो दिखने में काम हो, और उसमें एक छोटी सी चीज रखो जो तुम्हें अपने गोल की याद दिलाए, जैसे अपने
अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की फोटो। थर्ड, सोशल बाउंड्रीज बनाओ। सभी दोस्ती तोड़ना सोल्यूशन नहीं है, वो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बजाय अपने लिए स्पेसिफिक सोशल स्लॉट्स फिक्स करो। रिसर्च शोज कि प्लान्ड सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव्स फोकस जब आप रिटर्न करते हैं स्टडिंग के लिए, बट अनप्लान्ड सोशल मीडिया स्क्रोलिंग डिस्ट्रॉयज कॉन्सेंट्रेशन फॉर आर्ट्स। फोर्थ, अपने ब्रेन के नेचुरल 90 मिनट साइकिल का यूज करो। ह्यूबरमैन ने फाइंड किया कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली फोकस करता है 90 मिनट साइकिल्स में। स्टडी करो 90 मिनट फोकस्ड ब्लॉक में, फिर 15 से 20 मिनट्स का ब्रेक लो। ब्रेक के टाइम सोशल मीडिया या फ्रेंड्स को टेक्स्ट कर सकते हो, बस टाइमर लगा के। फिफ्थ, स्ट्रेंथन थ्रू सैक्रिफाइस। हर बार जब आप पढ़ाई को सोशलाइजिंग के ऊपर चूज करते हो, उस मोमेंट को कॉन्शियसली नोटिस करो। आपने आप से बोलो, मैं अपना फोकस मसल स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। ये सिंपल सेल्फ अवेयरनेस आपकी एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है टू मेक बेटर चॉइसेस अगेन। बस एक चीज याद रखना, जब आपके फ्रेंड्स टेम्पररी फन चेस कर रहे हैं, आप परमानेंट एडवांटेज बिल्ड कर रहे हो। ये फोकस्ड अटेंशन सिर्फ नीड क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको मेडिकल कॉलेज, करियर और लाइफ के हर टफ चैलेंज में सपोर्ट करेगी। आपकी ये सैक्रिफाइस आपके ब्रेन को सक्सेस के लिए रीवायर करती है। हर वो घंटा जो आप आज फोकस करते हो जब दूसरे डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर सेल्फ में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपना फोकस इम्प्रूव करके अपने गोल्स अचीव कर सके। एंड कमेंट्स में बताओ, क्या आप रेडी हो फोकस सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट करो फोकस, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।